हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का एक और ब्लॉग में स्वागत करता हूं। भाई मैं अपनी लूना लेकर के जा रहा हूं अपने खेत में। धान के खेत में एक टीप बिछा रखी थी, उसको दूसरे किले में बिछाना है। बहुत मेहनत भरा काम है, मैं नहाया भी नहीं क्योंकि काम ज़रूरी है। इसलिए मैं सुबह सुबह अपना, मेरा खेत पड़ता है यहाँ से 3 किलोमीटर दूर, तो मैं अपनी साइकिल से 3 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए जाऊँगा और फिर वापस आऊँगा। यानी कि अगर मेरे खेत में 3 चक्कर लगते हैं तो मेरी दूरी हो जाती है 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर में साइकिलिंग कर लेता हूँ। पर भाई की बॉडी देखो एक बार, सूखी सूखी बॉडी है सूखी। और भाई जो भी अपनी वीडियो देखता है तो भाई अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार, और वीडियो को लाइक किया करो यार। तुमसे ही है ओप मेरे को, और मैं किससे ओप कर सकता हूँ। ये भाई सॉरी, नेशनल हाईवे बन रहा था ना वो लकड़ियाँ। अरे लोड हो गए, देखो कैसे जाती है। आज दिखाऊंगा तुमने मैं किस तरह लोड करा ट्रैक्टर। ये भर लिया लकड़ी, ठा लिया पंजे की तरिया जिस तरह अपना हाथ होगा नूं पकड़ लिया इधर ते गया इसमें। ये हवा लगा दी भाई, अटक गई भाई। टेक्निकल काम हो अंकल है। पीछे मेरा देख लो भाई, लकड़ी इस तरह से लोड हुआ है। आज मैंने पहली बार देखा कि किस तरह से एक मशीन इस तरह से पहुंच करके और लकड़ी को पकड़ लेती है इस तरह हो रही, और फिर लोड करते हैं। हाँ भाई, भैया जी मिल गए, पैदल जा रहे हैं, साइकिल कहाँ गया, टूट गया। राम राम, लकड़ी लोड हो कुकर देखू था वीडियो बना लियो। ले ना भाई वीडियो बंद कर, मां दिक्कत क्या है, मां कोई इलीगल काम होने लग रहा है क्या। ले ना मां फिर क्यों मना कर रहा है। अरे थारी तो अरे खड़ा खड़ा है। और क्या, वीडियो बनाते अच्छे काम के लिए बनाते है भाई, बुरे काम के लिए नहीं। लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलते है कि बंद करो कैमरा है, जिस तरह मेरा ताऊ भी नुको भाई, मेरी वीडियो ना बनाया कर है। जूत मारो गए ताऊ के, जूत खा लें कित कित मौका मिला है। ताऊ ठीक है, ताऊ चला पहुंच गया अपने खेत में। अपने दोस्त सोए पड़े हैं भाई। कुरी, अरे वाह, अरे छोटा कुरी, ये रहा छोटा कुरी भाई, कैसे है कैसे है, सोजो। लो भाई तरुण भैया बना रहे हैं भिंडी करेला की सब्जी। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। ओ भैया ओलीज मैन, जब आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हो तो यहाँ हाथ रख के बोलो मामू सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल ऑल इज़ वेल। 3 बार ऐसे बोलोगे ना ऑल इज़ वेल कितनी परेशानी में हो, ऑल इज़ वेल परेशानी तो जाएगी नहीं लेकिन तुम्हारे दिल को सांत्वना ज़रूर मिलेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। घर से चला जब बहुत ज़्यादा गर्मी थी भाई, अब देखो बादल आ गए, 1 मिनट में आ गए पता नहीं। तभी हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर कहते थे कि भाई मौसम बहुत जल्दी बदलता है, मतलब धूप होगी कब बारिश हो जाए पता ही नहीं चलता। सेम हो गया देख लो, 5 मिनट पहले बहुत तगड़ी धूप थी और अब आ गए बादल, बारिश भी आ सकती है, कुछ नहीं कह सकते। ये टीप यहाँ से लीक हो गया भाई, अब इसको सारा निकालना पड़ेगा ज़मीन से और इसको पंचर लगाते हैं हम। लो भाई आप इसको पंचर लगा देंगे, जहाँ से लीक हो रही थी उधर हो रही है लीक, ये सारी टीप उधर लेके जानी पड़ेगी 1 किला दूर। ओ भाई ट्रैक्टर भैया कद्दू कर रहा था, ट्रैक्टर सोना लिखा, अब टोथन करके निकालना पड़ेगा। काई लग गया है ना, देखा सारा था नीचे दब गया काई के, पानी छोड़ दिया था आजे को ऊपर है ना। अब इंजन चलाएंगे, इसमें पानी हो जाएगा थोड़ा सा। चल भाई इंजन साहब चला देता हूँ तेरे को मैं, बाल उठाता हूँ पहले ये टीप बिछा देते हैं भाई। इस किले में मैंने देखो पानी चलाया था, आधे घंटे में इतना पानी हो गया। अब आगे वाली टीप लगाई थी, ये टीप बिछानी है एक बार, इस टीप को बिछाने के बाद इसको जोड़ देंगे, उस किले में भी पानी करना है। फाड़ दिया ट्रैक्टर भाई, 36 थी टीप पर आ गया टोचन, वो भी बैठ गया तंदु में बैठ गए, ये क्या कर दिया भाई तेरे ना लिया उसाला लुआ उसाला तंदू भी बिठवाया थी भाई, अच्छा सूत बिठाया
अब एक और आ गया रोटावेटर। ये लगेंगे तीन ट्रैक्टर। नुकसान हो गया भाई तगड़ा। एक और लगेगा आ जा भाई। देखवा देखा टोचन बनेगा। काट दे काट दे लगा जोर रे ए बेटे। ये अपनी कपास की स्प्रे की दवाई, इसको लेके चलते हैं अपने कमरे पे। 7-8 किलोमीटर आ गया इधर अपने खेत से, नहर से पार लेके आया हूँ भाई। और टाइम भी भाई 12:30 हो गए, अब जाना पड़ेगा घर पे क्योंकि लागी भूख। अब पेट पूजा भी तो करनी पड़ती है, नहीं तो ज्वार के गद्दे भी काट गए घर के। और भाई अपना भी काम लगभग कम्प्लीट हो गया, धान की जोत निकाल रहा है तिलक अंकल। ये वो अंकल है जो BSc की डिग्री करके अब निकाल रहा है धान। बहुत पढ़ाई किया कछु नहीं हुआ है। ये ले भाई, एक ऐसी बारिश होने लग रही है, ऊपर ट्रक खड़ा कर रखा है पानी का टैंकर। निकलो निकलो। भारत के पास एक 50 रुपए का नोट है, इसमें तारी भी है। और अब भाई गोगो चिप्स लेने गया है। और मैंने यहाँ से मैं डड्डी बना रहा था मैं यहाँ से, तो मैंने मशीन ऊपर फेर ली तो मेरे बाल की कटिंग भी हो गई। मुर्गा कटिंग बना दी। खर्चा बचा दिया मैंने। मांगी हुई चड्डी पहनता है गोगो चिप्स लेने आया। हाँ भाई दिल्ली चिप्स का है। दिल्ली खत्म हो गया। मां भाई सारे भाई इकट्ठे होके चीज खाया करा भाई। और पीला के गूगल लड़के कूपन है। वो कूपन
वाह, पापड़ खाते हैं अभी हम लोग, चाय बनाई मम्मी ने बढ़िया वाली। हेलो भाई, भाई तेरे टीके तो सारे के टीके हैं, तू बता। खुद तक खड़ा हो गया, पानी नहीं पी सकता। यो है तेरे टीके तो सारे के टीके हैं। अफ्रीका कैटरीना काम कर लिया कर। और यू तो आईफोन का कमाल है, छोरा जो गोरा दिखाई दिया, लाल हो रहा है, दिखा रहा है, हटाइए देख, छोरा जमा लाल बना दिया वो आईफोन ने। अरे मुसी देख तो, देखिए ये सूत्रा दिखा रहा क्या, देख फोन में। और असली में देख, माना देख ले, डाड मारा है अभी। मेरा दादा का पैर में लगी चोट, क्योंकि मेरा दादा लेके आया था नई नई जूती और मेरे को दिखा रहा था। ओहो, आज तो मैं नई जूती पहन के दिखा रहा हूँ और नई जूती ने ऐसा काम कर दिया, चोट लगी। हाँ भाई, हाँ भाई छोरे, आज क्या बात करेगा ऐसा, आगे स्वाद है। मेरा दादा भाई मैं मजाक करते रहा। हो जाओ शुरू, मना गेरा की तो एक लिए चला ले, जा लो भाई शुरू करो, रेस दे थोड़ी सी, ब्रेक छोड़ के रेस दे। हाँ, पैरों ऊपर कर लिया, हाथ तो ब्रेक मारिए बस, चल रेस दे एक बार बंद करके। हाँ ये ऑन कर, चलो कौन चाली चल लगी चल चल ले री रे चला। ए मेरा रो, लो भाई पापा की परी ने चला दी स्कूटी, सीखी भाई मेरी बस। ब्रेक आराम से, मोड़नी है, मोड़ आ गया, ठोक ना दियो। मैं शाम को रनिंग करने आया था ग्राउंड में, तो भाई मौसी बोली कि मेरे को स्कूटी सिखा दे। अब मैं बहुत दिन पहले भी सिखाई थी, हालांकि चलानी तो आ गई, लेकिन इनका यही रहता है कि भाई हाथ से ब्रेक ना मार के पैर से मारते हैं। घुमा आहिस्ता, कद गेट में ना ठोक दिए। ले हाँ बस इले जा सीधी, कि पड़ा पड़ा तो अपने आप उठ लिए, मैंने बता दिए है, रुका मार दिया स्कूटी खड़ी करके। अपने आप देख लेगी मौसी, बड़ी हो रही है। 400 मीटर का ट्रैक का मेरे भाई, यहाँ पे फुटबॉल भी खेलते हैं, सामने रस्सा टंगा हुआ है, करेंगे यहाँ पे प्रैक्टिस, फिटनेस प्रैक्टिस। ये छोरा भाई गोल्ड मेडलिस्ट है, इस भाई ने इतने मेडल उड़ाए हैं आसमान में पहुँचा दिए भाई ने। क्या बात है, भाई का पंच देखो सीधा नाक पे मारता है पंच। क्या मैंने तेरी तारीफ में कुछ गलत कहा क्या? ना सही कहा है ना। लो भाई दो चक्कर लगा दिए वर्कआउट के, अब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हैं भाई, क्योंकि प्रैक्टिस तो इम्पोर्टेंट है भाई, रनिंग के बाद में बॉडी सुस्त हो जाए, अगर 5-4 दिन आप रेस्ट दे दे घर ना बैठ के तो बॉडी बिल्कुल सुस्त हो जाती है भाई, पता नहीं क्या चक्कर है। अब फिर से इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आज से फिर से शुरू हो गया हूँ तेरा भाई। लो भाई एक रस्सा लग गया, बाकी रस्से मैंने लगातार 6-6 रस्से भी लगाए हुए हैं, लेकिन आज एक लगा है, एक दो और लगा सकता हूँ भाई, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर रस्सा छूट गया तो उंगली छिल जाती है भाई, सच्चाई है, मेरी छिली हुई है तभी बता रहा हूँ मैं, इसलिए इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए जितनी आपकी बॉडी थोड़ी सी एक्सेप्ट कर सके, थोड़ा बहुत रिदम आने के बाद में फिर कर सकते हो आप, फिर कोई चक्कर नहीं है, लेकिन शुरुआत में थोड़ी कम ही करनी चाहिए भाई। बॉडी देख छोरे की जमा देसी भाई, मेरे मौसी ने चलानी आ गई भाई स्कूटी, वाओ वेल डन, आपने स्कूटी लेके आएगी। चलो गड्डी स्टार्ट करो, मैं पटक मत देना बस, चला आई भाई, यात्री बुआ चल रही थी ले भाई, हम चल पड़े। हाँ तो भाई वेल डन, मिशन सक्सेसफुल। बड़े पास मिशन अधूरा रह गया, वैसे मिशन सक्सेसफुल हो चुका है तो भाई देखो सही चला रही है भाई, देखो बाकी देख तारीफ की अलग बात है, लेकिन देखो सही चलाने लग रही है, वीडियो बना ला रही है, ओ जरूर से सर बिल्कुल सही चलाने लग रही है ना भाई, वो
वो अलग बात है, शामी भी तार से गए ब्रेक दे रखी है शामी तार का निकाल हां ठीक है कहां को लेके चल लगी भाई। हमारी चिंचनाटी लक्ष्मी भाई देख रही थी, अरे सो गई चिंचनाटी। ए चिंचनाटी चिंचनाटी लक्ष्मी, ए चिंचनाटी उठ ले, उठ सोजे बाहर लक्ष्मी, बाहर सोजे। अरे बाहर सोजे, खट पर सोगी कुर्सी पे, आँख खोल लक्ष्मी भाई यारी उठ तनी दारी होड़ सोजे खाट पे ये देख ले भाई कुर्सी पे सोगी। अरे भाई चिंचनाटी यार, जब और भी छोटी थी ना, इससे और भी छोटी थी तो अपने आप रात ना उठ के चल पड़ा करती, मतलब इसको नाइट में चलने की बीमारी। सो जा बाहर, सो जा, ऐसा सीन है। तो भाई अब हो चुकी है रात, रात के 9:30 बज गए भाई, और मैं सोच रहा हूँ कि वो लोग को अब एंड ही कर दें, क्योंकि नहा के फिर रोटी खानी है। तो अब कल मिलता हूँ एक और नए व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।